नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, यहां पे जैसे कि आपको बताया गया टेलीग्राम चैनल पे रिसेंटली हर एक बंदा यहां पे फोकस कर रहा था कि भाई हमने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके रखा हुआ है और हमें यहां पे इसमें हर एक अपडेट जल्दी मिल जाती है, तो क्या यहां पे भारत में बंद हो जाएगा या फिर ऐसी बहुत सी अफवाहें अपने देखी थी मार्केट में चल रही थी। और क्योंकि यहां पे ये अफवाहें इसलिए उड़ रही थी क्योंकि यहां पे दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट तो यहां पे इसके जो सीईओ है या फिर ओनर है उनको यहां पे अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद यहां पे इंडिया के अंदर भी कुछ अथॉरिटी को इस पर लगा दिया था कि आप इसको चेक करो, अगर ये कुछ गलत पाया जाता है तो इसको इंडिया के अंदर बैन किया जा सकता है। तो ऐसी अपडेट्स आपको हर जगह देखने को मिली थी, तो इसी को लेकर एक अपडेट आई है जो कि गुड न्यूज़ की तरह आपके लिए काम करेगी। तो जो भी अपडेट्स हैं मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे टेलीग्राम पे जो मैं नहीं करता आप कर सकते हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कोई कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे, मैं सबसे पहले आपको यहां पर अपडेट कर देता हूं, जिसको यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स कमा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हर जगह आपको टेलीग्राम पे एक वीडियो देखने को मिली होगी कि टेलीग्राम चैनल बंद होने वाला है या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन बंद होने वाली है, पर मैंने आपको इस पर कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि यहां पर कोई खुलकर अपडेट नहीं थी, इस वजह से मैंने आपको ज्यादातर इस पर शेयर नहीं करा। मेनली अगर देखा जाए तो यहां पे आप इस समय एक अपडेट आ रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि टेलीग्राम के जो सीईओ है पवेल, इनको यहां पे जो है कह सकते हो कि फ्री कर दिया गया है। अब यहाँ पे फ्री करने के पीछे सीन क्या है कि इनको साफ साफ एक वार्न भी कर दिया गया है कि आपको यहाँ पे छोड़ा जा रहा है पर आपको कुछ चीज़ों को चेंजेस करना होगा। यानी सिंपल सा मतलब ये कह दीजिए कि कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज मिल रही हैं टेलीग्राम के अंदर में वो इलीगल है, तो जो सर्विसेज इलीगल लग रही है तो उसके अंदर में फिर बदल या फिर उसको चेंजेस किया जाना चाहिए। अगर ऐसा मानते हैं तो इसको सही कर मतलब कि इनको रखा जाएगा, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर यहाँ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे रोका जा सकता है तो मैं उसको रोक दूंगा। यानी कि सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो यहाँ पर ध्रुव का कहना है कि हम इसमें कुछ सर्विसेज जो है चेंजेस कर देंगे या फिर कुछ जो चीज़ें हैं जिस पे यहाँ पे इनकी टीम यानी जो अथॉरिटी है सर्च कर रही थी, तो उनको अगर कुछ इनमें कोई दिक्कत लगेगी तो वो लोग यहाँ पे उसको हमको नोट करके बता देंगे, तो मैं उसको यहाँ पे चेंज कर दूंगा। यानी सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो ये एक अपडेट आपके लिए पॉजिटिव है और ये हमारे भारत के अंदर भी हो सकता है। जैसे हमने अपने पास्ट में देखा कि हमारे इंडिया के अंदर में भारत ने बाइनेंस को बैन कर दिया था, बाइनेंस हो गया या फिर और भी बहुत सी एप्लीकेशन थी जो कि इंडिया में काम करती हैं जहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में बाय सेल कर सकते हैं। इनको इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया था कि अगर आप हमारे साथ कॉम्प्लाई करोगे तो हमारे भारत के अंदर में आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर अपनी कंपनीज को रन कर सकते हैं, बट अगर आपने हमारे साथ कॉम्प्लाई नहीं करा तो हम आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर में काम करने नहीं देंगे, तो आपको यहाँ पे इंडिया में बैन लगाना होगा। तो ऐसे में रिसेंटली सभी एप्लीकेशन ने एक ही चीज़ को माना, जो हमारी गवर्नमेंट की कॉम्प्लाइज थी या फिर कह सकते हो कि शर्तें थी, नियम थे, उनको यहाँ पर उन्होंने माना और इस वजह से लगभग जो है अगेन सारे एप्लीकेशन या फिर जो एक्सचेंजेस थे वो भारत के अंदर में पुनः से वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाइनेंस हो गया या फिर जो भी एक्सचेंजेस हैं उसको आप इंडिया में चला रहे हैं। यानी सिंपल सी भाषा में यही कहा जाए कि गवर्नमेंट अपनी मनवानी चाहती है कि भाई जो चीज़ें सही है उसको आप अच्छे से काम करो, बट अगर उनको उसमें कुछ दिक्कत आती है, जैसे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उनको यहाँ पे पूरा राइट है कि वो लोग उसको रोक सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे इन एक्सचेंजेस के साथ भी बोला था और एक्सचेंजेस ने कॉम्प्लाई भी करा गवर्नमेंट के साथ और इस वजह से वो एक्सचेंजेस हमारे भारत में काम कर रहे हैं। तो सेम एंड सेम टेलीग्राम का भी सीन रहेगा, टेलीग्राम के अंदर में जो भी गलत एक्टिविटी हो रही है क्राइम से संबंधित उनको रोकने के बारे में यहाँ पे टेलीग्राम को बोला गया है और इस पे जो चीज़ों को लेकर पिन किया जाएगा या फिर आप कैसे तो टॉप किया जाएगा उनको फिलहाल जल्द से जल्द यहाँ पे चेंज करना होगा। तो ये चेंज करने के लिए मान चुके हैं, तो मेरे हिसाब से लगता है कि अपने भारत के अंदर में भी जो लिस्टिंग है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि प्ले स्टोर पर वगैरह सब जगह आपको मिलता है टेलीग्राम, तो हमारे इंडिया से शायद रिमूव ना हो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग खुद मान रहे हैं कि अगर हमारी कुछ गलती है या फिर कोई प्रॉब्लम आपको देखने मिल रही है तो उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब यहाँ पे अगर समझा जाए तो इन पे कौन से एलिगेशन लगाए गए थे तो मैं आपको बता देता हूँ। इस समय आप जाके सर्च करोगे तो आपको बहुत सी अपडेट देखने मिल जाएंगी, जिसमें खास करके टेलीग्राम के जो पूर्व में जो ट्रांजेक्शन हुई या फिर इसमें जो डाटा वगैरह निकल गया जिसमें बताया जा रहा था कि इन्होंने कुछ इलीगल एक्टिविटी के अंदर में इनका भी हाथ है, यानी कि ये उन लोगों की सहायता कर रहे हैं जो लोग गलत काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ यहाँ पे आपत्तिजनक लोगों ने यहाँ पे टिप्पणियां करी थी इन पे और साथ में इस पे क्वेश्चन उठाने के बाद यहाँ पे टीम ने इन पे अच्छे से रिसर्च भी करी और साथ में इनको अरेस्ट भी करा गया। तो इनसे पूछताछ करने के बाद इनको यहाँ पे वार्न करके छोड़ दिया गया कि आप यहाँ पे फिलहाल जो है सब कुछ सही तरीके से करोगे, अगर गलत करते हो तो उसमें आप पकड़े जाओगे, बाद में आपको यहाँ पे फिर एक्शन में लिया जा सकता है। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हाँ भाई हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छी अपडेट है कि जब टेलीग्राम यहाँ पे खुद बोल रहा है कि हम यहाँ पे चीज़ों को चेंज कर देंगे तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो हमारे लिए भी कोई खास बात नहीं रहेगी, यहाँ पर टेलीग्राम भी जल्दी बैन होने की चांसेस नहीं रहेंगे। तो यही कुछ अपडेट्स थी, तो आई होप जो चीज़ें हैं मैंने आपको शेयर कर दी हैं टेलीग्राम को लेकर, बाकी आपके लिए गुड न्यूज़ की तरह काम करेगी क्योंकि यहाँ पे जो टेलीग्राम के सीईओ है उन्होंने पोस्ट करके बताया अपने टेलीग्राम पर भी, उन्होंने साफ से बताया है कि भाई आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी हमारी सहायता करी, यहाँ पर हमारे लिए आवाज़ उठाई, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे हमेशा से आपके विश्वास के ऊपर में खड़े उतरेंगे। तो
थोड़ा सा उन्होंने कुछ मैसेज करके मोटिवेशन करके आपको पोस्ट करा है। तो ऐसे में रिसेंटली देखा जाए तो ये 110% क्लियर हो चुका है और आपको हर एक जगह न्यूज़ चैनल पर भी आपको ये अपडेट देखने मिल जाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। क्रिप्टो को लेकर कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे यहीं पर आपको सबसे पहले देखने मिलेंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।